Hey, what up boys? उत्तरी करंट लग गया बहन चोद, प्रूफ दिखा देते हैं, आजकल प्रूफ काफी हो रहे हैं। So these are my feet for those BDSM moments. Oh, यार गोडे भी दिख गए यहाँ पे, शॉर्ट्स में भी हूँ यार मैं, ठीक है तो। If you've clicked on this video, hopefully things are going great for you. अभी तुम ऐसी position में होगे जहाँ पे you've gone on a date with a girl couple of times, या तुम्हारी date होने वाली है और उसके बाद you know things are gonna escalate. बातें आगे बढ़ेगी and they will move into the bedroom and she'd wanna come home with you. तो तुम्हें अपना घर कैसे set up करना चाहिए? Maybe you're nervous about it. Maybe तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या क्या करना है मेरे को वहाँ पे. So that's what we're gonna be covering in this video. ऐसी 7 चीजें जो तुम्हारे घर में होनी ही चाहिए. These are non-negotiable. Let's talk about it in this video. Hey, what's up guys? Welcome back to Iron Man Lifestyle. I am Shitij and तुम लोग देख रहे हो Iron Man Lifestyle. हमारे यहाँ पे mission है 1 crore Indian men get into amazing relationships. So we talk about dating advice, we talk about confidence, social skills and all of that jazz so that you can get into amazing relationships. आज हम बात कर रहे हैं यार when you're bringing girls home, घर पे अपनी place कैसे set up करनी चाहिए तुम्हें, क्या क्या चीजें होनी चाहिए वहाँ पे, क्या क्या चीजें important है, क्या क्या non-negotiables है. तो सबसे पहले हम start करते हैं lighting से. This is going to be the most important thing, literally the most important thing. यार मैं एक story भी बताना चाहूंगा तुम्हें. I was in Mumbai and I was crashing at one of the client's house. This was back in 2017 and we had gone out. So वहाँ पे there were one or two girls that we met and they were coming back home with us. So हम जब वहाँ पे घर गए वापस तो येलो लाइट्स नहीं थी और वहाँ पे व्हाइट लाइट्स थी, सफेद ट्यूब लाइट्स वहाँ पे लगी हुई थी और वो ना तो हम डिम कर पा रहे थे ना कुछ कर पा रहे थे. सफेद लाइट्स ऐसी होती हैं जो ये वाइब देती हैं कि भाई तुम हॉस्पिटल में आ पहुंचे हो एंड देर वेरी हार्श ऑन यू. द नंबर वन थिंग दैट यू वांट इज यू वांट येलो लाइट. येलो लाइट्स आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली एसेंशियल. ये एक क्वेश्चन भी नहीं है, यू नीड टू हैव येलो लाइट्स. अगर तुम्हें व्हाइट लाइट्स पसंद है तो व्हाइट और येलो लाइट दोनों लगा लो. अगर ट्यूब लाइट है तो ट्यूब लाइट आती है, ट्विन लाइट वाली ट्यूब लाइट आती है, व्हाइट और येलो दोनों जाती है. एक बार स्विच ऑन करेंगे तो वो व्हाइट हो जाएगी, एक बार फिर स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे तो वो येलो हो जाएगी. फिलिप्स की आती है. इवन बेटर इज अगर तुम बल्ब वगैरह लगा रहे हो वहां पे ना, सो गेट अ बल्ब. फिलिप्स का ह्यू आता है, कोई भी ब्रांड का ले लेना. इट नीड्स टू बी एलेक्सा पावर्ड या यू नो स्मार्ट होना चाहिए, वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है. तुम उसका कलर चेंज कर सकते हो, व्हाइट से येलो से रेड, यू नो फॉर दोस बीडीएसएम मोमेंट्स व्हेन यू वांट टू मेक इट रेड, यू कैन मेक इट ब्लू एंड पर्पल एंड ऑल ऑफ दैट थिंग. प्लस बेस्ट पार्ट इज उसकी ब्राइटनेस भी कम हो जाती है. सो लाइक व्हेन यू गोइंग इन, येलो थोड़ा ज्यादा होएगा. व्हेन थोड़ी थोड़ी बात आगे बढ़ रही है उसकी, डिम थोड़ा उसको कर देंगे राइट. तो थोड़ा और हो रहा है तो और डिम कर देंगे. सो रहे हैं यू नो व्हेन एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड, तो यू पुट इट ऑफ right through your phone. Absolutely helpful, बहुत ही ज़्यादा helpful होता है, amazing रहता है. Anytime people are coming over, friends are coming over, तुम्हें mood बनाना है, yellow lights are gonna be amazing. एक और चीज़ इसी से related point number one में ही, have a lamp. Lamp और lamp का shade होता है ना, तो उसमें भी अगर तुम ये वाला bulb लगाओगे, तो उसके भी तुम lighting control कर सकते हो. Bulbs usually are very harsh. जैसे lighting होती है, उसके ऊपर कोई diffuser नहीं होता है, तो वो मुंह पे आती है, तो बहुत तेज लगती है. Usually you wanna have a lamp जिसके अराउंड एक वो diffuser सा लगा हो, like बीच में वो बल्ब होता है और आसपास एक लैम्प शेड होता है. लैम्प शेड से आंखों पे बहुत तेज वो लाइटिंग नहीं लगती है. If you have a false ceiling और वहाँ पे lighting है, that's perfect as well. But जो direct light आती है ना, वहाँ पे बहुत तेज लगती है. So you want two things. एक तो वो dim करने का option तुम्हारे पास होना ही चाहिए और दूसरी yellow light उसमें होनी ही चाहिए. This is non-negotiable guys. ये सबसे पहले मतलब mood set ही नहीं होता यार अगर ये चीजें नहीं होती है, तो बहुत बकवास हो जाता है. एक cheat code जो कभी कभार you know like lighting थोड़ी off हो रखी होती है, dimmer नहीं होता, मैं क्या करता हूँ, अगर वॉशरूम सेम रूम में ही है तो मैं वॉशरूम की लाइट ऑन कर देता हूँ और हल्का सा दरवाजा खोल देता हूँ, तो पूरा रूम में अंधेरा है बट थोड़ा सा डिम हो गया तो कुछ दिख तो रहा ही होता है. Now this isn't as soon as the girl enters your house. This is when you know your clothes are off and sexual stuff is starting. Us time pe is why you set the mood like this. Shuru mein toh like when she is there, aap tab toh yellow lights are fine. Isme mood set karne ke liye there's another thing, point number 2 again a non-negotiable is you need speakers wahan pe. Ya toh Amazon ka Alexa le lo, ya fir wahan pe proper speakers laga lo, but you need speakers jo Bluetooth se chalte hain taki tum gaane baja pao, change kar sako, volume wagaira kar sako. Mood लिटरली लाइटिंग और म्यूजिक से सेट होएगा. इट्स सुपर इंपॉर्टेंट दैट यू हैव बोथ दोस थिंग्स. पॉइंट नंबर 3, अब तुम घर पे आ गए हो तो थोड़ा कुछ और चिल करने के लिए चीजें भी होनी चाहिए. मे बी तुम बाहर हो, तुमने लड़की को बोला लेट्स गो बैक टू माय प्लेस एंड शी लाइक व्हाई. अब मे बी बहाने के लिए क्या होता है, लाइक वन बेस्ट बहाना है लेट्स गो गेट ड्रंक या alcohol, amazing fucking shit, bahar bahut mehengi hai. So at your home you should always have some alcohol for your friends, for people coming over. Kab tumhara man kar jaye, actually if you're an alcoholic then don't keep it, but generally at my place, even in my car, right, main usually gaadi mein to beer and vodka rakhta hu, but ghar mein it's usually beer, vodka and whiskey. Wine is also something that you can keep, but usually log pee jate hain to wo chhodo. Ideally if you want to be prepared for everything, beer, vodka, whiskey, gin, wine definitely wahan pe honi chahiye. These are the 5 things you want and some other stuff as well, like shisha is amazing, hookah rehta hai to, and then some stuff that you can you know smoke together, to wo rahega. It's good for you to chill around with those things. All right, you can smoke, you can chill, I mean vibe bani rehni chahiye wahan pe, bas that. Point number 4, tumhare ghar pe kya important hai, clean house and a clean washroom.
सफाई सुपर इंपॉर्टेंट, अपना बेड वेड बना लिया करो जब कोई लड़की घर में आ रही है, झाड़ू वाड़ू पोछा वोछा होना चाहिए ताकि तुम नंगे पैर घूम सको। माय सिंपल रूल इज, अगर मैं अपने घर में घूम रहा हूँ तो मैं नंगे पैर घूम सकता हूँ, इतनी क्लीनलीनेस मुझे चाहिए। एंड आई एम यूज्ड टू रोमिंग अराउंड नंगे पैर ओनली। ओह शिट, प्रूफ दिखा देते हैं, आजकल प्रूफ काफी हो रहे हैं। सो दीज आर माय फीट, अभी भी मैं नंगे पैर हूँ, ऑफिस में भी नंगे पैर होता हूँ। ये मैंने टो स्पेसर्स लगा रखे हैं यार, ताकि यू नो पैर यूं फैल जाए एकदम ऐसे। सो दिस इज गुड फॉर योर फीट। आज ही मंगवाए हैं तो हम ये पहन के घूम रहे हैं, ठीक है। लोग बोलेंगे भाई पिछली वीडियो में भाई ने एकदम बैग निकाला, कॉन्डम ही कॉन्डम भर दिया, बेंच नंगे पैर घूमना चाहिए तो ये दिखा भी रहे हैं। सो क्लीन वॉशरूम एंड अ क्लीन रूम बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो बताना भी नहीं चाहिए। अब जैसे वॉश बेसिन के आसपास बाल बाल होते हैं, व्हेन वी शेव एंड एवरीथिंग, वो साफ होने चाहिए। जो कमोड है उस पे ना स्प्लैशेस नहीं होने चाहिए। लाइक इफ यू पीइंग मेक श्योर तुम लिड जो है ना, लिड तो ऊपर होती है बट जो टॉयलेट सीट ऊपर करके करो ताकि टॉयलेट सीट पे स्प्लैशेस वगैरह ना आए। इफ देयर इज यूरिन स्प्लैशेस wash it with the water jet. So water jet के बाद पानी splashes हो जाएंगे। उसके बाद you want to take a tissue and you want to wipe it clean and dry for the girl. Alright, this is adequate, काफी सही रहता है। Next point number 5, super fucking important, toilet paper and extra toilet paper, बहुत important है। दो जगह toilet paper हमेशा होना चाहिए, washroom में तो होना ही चाहिए, because when girls are over, they need the toilet paper to clean themselves and everything. Also, you should be in a habit of cleaning with the toilet paper. Now, hold on, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि water jet नहीं use करना है, but what I'm saying is you want to make the best of both worlds. So you want to use a water jet to clean it up, but अब वो पूरा गीला हो जाता है। Now when you wear your fucking underwear, तो पूरी underwear भी गीली हो जाती है, right? So that's where you have the tissue to clean it up even more. And then you're gonna notice if you use a tissue, your fucking butthole gets even more cleaner. जो पानी भी होता है extra around the butt, वो भी सूख जाता है, तो तुम्हारी underwear ना गीली नहीं होती है। पूरे दिन तुम गीला underwear पहन के जो feeling होती है ना, वो तुम avoid करते हो। So another purpose of a toilet paper, tissue paper is तुम्हारे bed के side में होना चाहिए। Bed के side में क्यों? क्योंकि तुम bed पे खाना खा रहे हो, तो हाथ साफ करने के लिए। And then post sex जो mess create होता है, वो भी साफ करने के लिए tissue paper होना। Now, I use paper towels next to my bed to clean up stuff and just like khana wana khane ke baad bhi thode better hi rehte hain. Point number 6, you gotta smell nice guys. Like you gotta fucking smell nice. Ab ya to shower lo, at the same time tumhari breath bhi sahi honi chahiye. Shower lo, brush karo, so breath and body odor better hona chahiye. Shower lo, clean down there as well taki thodi saaf safai hai. Deodorant wagaira use karna start karo, perfume wagaira use karna start karo. Non negotiable ghar pe hona hi chahiye bhai. Please keep that with you. Keep that in mind, kafi important hai. And then finally point number 7, which is sort of tum avoid bhi kar sakte ho, but this is something that I'm just putting sort of as a bonus point. काफी लोगों के पास पैसा भी होगा और उनको अपने अच्छे से aesthetically please करना होगा। For the final aesthetics of the room, what you can do is you can add in some plants, indoor plants like उत्तरी करंट लग गया बहन चोद। Indoor plants like money plant, snake plant और जो भी indoor plants होते हैं वो काफी सही लगेंगे। After that, second thing is paintings भी काफी सही होती हैं। And third thing, aroma lamp, वो जो नहीं होते जिसमें essential oil डालते हैं और फिर वो मस्त सी खुशबू हो जाती है, या फिर incense वगैरह type का। Incense तो यार लो तो फिर अच्छे से लेना, fragrance people या कहीं से या अगरबत्तियां मत लगा देना रूम में, ठीक है। दो अरोमा लैम्प्स, ऑयल डिफ्यूजर लैम्प्स वगैरह होते हैं ना, वो काफी सही वाइब देते हैं। उसमें लैम्प वाली वाइब भी हो जाएगी तुम्हारी, एट द सेम टाइम जो रूम में बहुत तगड़ी सी महक आ जाएगी। सो रात के टाइम में beautiful, beautiful things are there. So that's going to be 7 things you need in your room, 7 things that are non-negotiable जो तुम्हारे room में होनी चाहिए if you bringing girls home. So set up your room like that. At the same time, guys, मेरे को ना pictures भेजना अपने room की, बताना कि भाई तुम्हारी ये video देखी और हमने room ऐसे setup करा हुआ है. I'm going to be very fucking happy. All right. If you like this video, guys, make sure you hit the subscribe button, thank it, smash it, demolish it, and I'll see you in the next video. All right, cool. यहाँ पे ना एक तो current लगे जाता है यार, इसका ना कुछ साला जब मैं नंगे पैर होता हूँ ना, तो कभी भी इधर उधर टच हो जाते हैं ना, तो करंट लगता है। जैसे ये माइक यहाँ पे रहता है, उसमें थोड़ा सा पेंट हटा हुआ है ना, तो टच करो उसमें करंट लग जाता है। थोड़ा संभालना पड़ेगा यार यहाँ पे, मतलब बैठे बैठे। ओ यार गोडे भी दिख गए यहाँ पे, शॉर्ट्स में भी हूँ यार मैं, ठीक है। तो अब जो है वो है भाई, चल ठीक है, सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।